दोस्तों बाहुबली की जो फ्रेंचाइजी है जिसमें बाहुबली पार्ट वन और टू दोनों एक साथ आते हैं, वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महंगी मूवी होगी, जिसकी बजट $37 मिलियन के आसपास है, यानी कि लगभग 250 करोड़ रुपए। अगस्त 2015 तक इस फिल्म की 40% शूटिंग हो चुकी थी और बाकी की शूटिंग 17 दिसंबर 2015 से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शुरू हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म लगभग ख़त्म होने को है और एस राजामौली अपने काम से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों बाहुबली में आपको झड़ने वाला सीन तो याद ही होगा। जी हाँ, मैं उसी झड़ने वाले सीन की बात कर रहा हूँ जो बाहुबली बचपन से पार करना चाहता है और आखिर में बड़ा होकर वो उसे पार कर देता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आपको ये पता है कि पूरी मूवी को शूट करने में जितना वक्त लगा है उसका एक तिहाई हिस्सा सिर्फ इस झरने के सीन को शूट करने के लिए लगा है? जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और अगर सूत्रों की माने तो ऐसा ही कुछ हमें बाहुबली के दूसरे भाग में भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मूवी का ज्यादातर हिस्सा युद्ध से घिरा रहेगा। दोस्तों इस फिल्म के लिए प्रभास और राणा दोनों ही बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट के अंदर थे और रेगुलर वर्कआउट उनकी रूटीन में था। वियतनामीज मार्शल आर्ट ट्रेनर तुवान के अंदर दोनों ने ही बहुत ही कड़ी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की है। दोनों एक्टर्स ने तकरीबन 30-30 किलो वजन अपना बढ़ाया है ताकि वो अपने आप को अपने फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से ढाल सकें, और दोनों ही तकरीबन 100 किलो के हो गए हैं। प्रभास की डेडिकेशन का तो जवाब ही नहीं है। अपने आप को बाहुबली के रूप में ढालने के लिए उन्होंने पिछले 3 सालों से कोई भी फिल्म नहीं बनाई और अपने आप को सिर्फ बाहुबली के लिए तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सूत्रों की माने तो इस फिल्म में अपने बॉडी को बनाने के लिए प्रभास ने लगभग 1.5 करोड़ का जिम का सामान अपने घर में मंगवाया है और साथ ही अपने घर में अपने लिए एक पर्सनल जिम भी सेटअप किया है। उनके सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है, उसमें 40 एग वाइट्स रहते हैं और साथ में प्रोटीन पाउडर मिक्स होते हैं। तो आप सोचिए इतने खाने से कैसी बॉडी बन सकती है। दोस्तों मिड डे नाम के अखबार की रिपोर्ट की माने तो अनुष्का शेट्टी को इस मूवी में एक प्रेग्नेंट औरत के रूप में दर्शाया जाएगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्हें काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी है इस फिल्म के स्टंट सीक्वेंसेस को करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड वी एंड माई टीम विल मेक श्योर कि हम अगली बार आपके लिए कुछ और अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड कर सकें। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू।